सुनने में आ रहा है कि सीएम योगी जी प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको इन तमाम दावों की हकीकत दिखाएंगे। हकीकत दिखाएंगे उस जगह की, जिसका जिक्र आपको राजनीति के हर पन्ने पर नजर आएगा। हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहाँ की सड़कें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मानो खुद ये सड़कें दावत देती हैं सड़क हादसों को। तस्वीरों में जो सड़क दिख रही है, यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ये अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जयगंज की सड़कें हैं, जहाँ नगर निगम की तरफ से जो गड्ढे खोदे गए हैं वो शहरवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। यहाँ खोदे गए गड्ढों के चलते हर दिन कोई न कोई सड़क हादसा होता है और लोगों को हजार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई गिर पड़ता है तो कभी गड्ढों में फंसकर गाड़ियां गिर जाती हैं, जिससे गाड़ियों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं जयगंज में नगर निगम के गड्ढों के चलते गिरती गाड़ियों से घायल हो रहे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और लाइव वीडियो भी सामने आने लगे हैं, जिसे देखकर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहां के लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो देखा आपने कैसे यहाँ के लोग, जिनकी गाड़ियों की स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ गिरने को, चोट खाने को मजबूर है। हाल फिलहाल में ही नगर निगम की तरफ से खोदे गए गड्ढों के चलते ई रिक्शा समेत मोटरसाइकिल और कई गाड़ियां पूरी तरीके से पलट गईं, जिसमें कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद वहां के व्यापारियों ने आजिज आकर नगर निगम को शिकायत दी। हाँ, आश्वासन तो तुरंत मिल गया कि गड्ढे भर जाएंगे, लेकिन आश्वासन की फेहरिस्त काफी ज्यादा लंबी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहां के एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि काफी समय से इन गड्ढों को देखने वाला कोई नहीं था। सरकारी लोगों को कई बार इस गड्ढे के लिए लिखा, लेकिन कोई नहीं देख रहा। लगातार बाइक सवार से लेकर ई रिक्शा भी इस गड्ढे की वजह से हादसों का शिकार हो गए हैं, बावजूद इसके किसी का ध्यान इसे भरने पर नहीं है। भाई, कौन सा इलाका है जहां पर आपकी दुकान है? जे जयगंज सब्जी मंडी है। तो ये क्या है यहां पर सामने, और जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या वो यहीं का है? जे यहीं का वीडियो वायरल हो रहा है, और इस समय नौ समझो इतने हादसे हुए, बात ट्री पलट गए, उसमें दो लेडीज नौ समझो बची गई थी दबने से। एक बार दो तीन जने एक बार चेक करने आए, फोटो खींच के ले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई बार कंप्लेंट करी, पुलिस में थाने जी आए, दरोगा जी आए, उनसे कही हाँ होया कोई कार्रवाई नहीं। मेरे बच्चे आते हैं स्कूल तक, बच्ची आते हैं, गाड़ी आ रहा धुन चलाते हैं, गिरते हैं, बच्ची गिरती हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आती हैं चोट आई हैं, पर ये आदमी आते हैं चले जाते हैं, पास का हो तो मैं बुलाऊँ, अब दूर के आते हैं लग जाते हैं चले जाते हैं। ट्री मारे के लग गई, सर फट गया, यहाँ से वो चला गया, वो मिला नहीं। अब उसके पीछे तो बाइक पर जो लोग गिरे थे वो कहाँ गए थे? वो तो देखो रोड चलता हुआ है, कहीं ना कहीं का होगा था, पास का हो तो मैं अभी बुला देता, मैं खुद गिरा हूँ। ये सिर्फ लाइन पड़ी है ना पाइप पानी वाली, इसकी वजह से हुआ है। शिकायत नीरे वाले आए हैं, अपने फोटो खींच के ले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं नगर आयुक्त की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो लोग मैपिंग कर रहे हैं, पूरी रोड हमने कई जगह बनवाई है, जो गड्ढे रह गए हैं उन्हें जल्दी भरवाया जाएगा। अलीगढ़ के शहर के सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जहां पर इतने गड्ढे हैं कि लोग इंजर्ड हो रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई करा नजर आएगी? इस पे हम लोग इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं, जहां जहां पर भी अनड्यूलेशन या अनइवननेस पाई जा रही है उस पे हम लोग जिसने भी वो किया है उससे दोबारा करवाएंगे। साथ ही साथ जो सुपरवाइजरी एक्टिविस्ट या हमारा जो कर्मी है उसमें हम कार्रवाई करें। अभी तक आपके नजर में कितने पॉटहोल्स पकड़े जा चुके हैं? पॉटहोल्स नहीं, हमने पूरी रोड्स को मैप करवाया है, रोड जहां जहां पर सबसे ज्यादा पॉटहोल्स थे, जहां के लिए हमने स्वीकृति ली है वो हमारे पास मैप है, और काम करने के लिए हम लोग इसको सर्वे भी करवाएंगे, आफ्टर दैट बिफोर एंड आफ्टर हम लोग करवाएंगे कितना हुआ कितना। सर ये बताइए, अलीगढ़ महानगर में कई ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से कई हादसे हुए, तेज रफ्तार में जो गाड़ियां चलती है वो पलट गई, कई लोगों को चोट भी हुई, उस पर क्या कहेंगे?
हम लोग के जो ऊपर से निर्देश हैं, गड्ढा मुक्ति के निर्देश हैं, हम लोग बहुत सारे जितने भी हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसकी लॉन्गेबिलिटी रोड की ज्यादा रहे, जो भी रोड बने कम से कम वो लॉन्ग सस्टेन करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं सड़कों पर गहरे हो चले दर्दनाक गड्ढों को भरने के लिए डेडलाइन समय सीमा एक तय की थी जो 15 नवंबर को समाप्त हो चुकी है, लेकिन उस तिथि को आगे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। हम जयगंज में मौजूद हैं, अलीगढ़ शहर का ये इलाका है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें बाइक्स पे कुछ लोग आ रहे हैं और वो एक प्रकार से उड़कर जो है ज़मीन पर गिर रहे हैं, इतने खतरनाक ये गड्ढे हो चले हैं। सिर्फ बाइक सवार ही नहीं, ई रिक्शा चालक भी जो है इन गड्ढों के दर्द मरे गड्ढों का शिकार हो चुके हैं जिनसे उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। लोगों का ये कहना है कि इन गड्ढों से कई सारे ऐसे बाइक सवार, ई रिक्शा सवार या अन्य लोग हैं जो पैदल भी चल रहे हैं राहगीर, उनको चोटें आई हैं, लेकिन शासन प्रशासन खासतौर से अलीगढ़ का प्रशासन इन गड्ढों पर कोई नज़र नहीं रख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ही इनको भरवाने के लिए कोई पैरवी कर रहा है। नगर निगम का कहना यह है कि उन्होंने बहुत सारे पोटहोल्स जो है रोड में उनको भर दिया है या जो अन्य शेष रह गए हैं उनको भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन हादसे का सबब बन चुके ये गड्ढे कितने लोगों की जान लेंगे जिसके बाद शायद ये भर पाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।